आज मैं कह रहा हूं कि आप बहुत प्रयत्नशील होते हो, प्यार में, रिश्तों में, काम में, व्यापार में, आपको अपने पक्ष में चाहिए, हर रिश्ता आपको अच्छा चाहिए। आपको अगर चारों तरफ से दबाया जा रहा है, आपके अपने जीवन में कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में हर कोई आपको धोखा देता है, हर तरफ आपको फरेब मिलता है, हर कोई आपको चीट करता है, हर बार आपके साथ बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, कोई ऐसा साधन कि प्यार दूर हो ही ना, कोई ऐसा तकनीक, कोई ऐसी चीज कि हम जिससे बात करें वही हमारी तरफ हो जाए, हमारे हर काम बनने लग जाए, तो जरा ध्यान से समझना, इस चीज को अपने मुंह में दबाकर जिससे भी बात करोगे वो तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम्हारे वश में होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आप बहुत प्रयत्नशील होते हो, प्यार में, रिश्तों में, काम में, व्यापार में, हर एक चीज आपको अपने पक्ष में चाहिए, हर रिश्ता आपको अच्छा चाहिए। आपको अगर चारों तरफ से दबाया जा रहा है, आपके अपने जीवन में कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में हर कोई आपको धोखा देता है, हर तरफ आपको फरेब मिलता है, हर कोई आपको चीट करता है, हर बार आपके साथ बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, हर बार आपको ही नीचे झुकना पड़ता है और आपको पीछे हटना पड़ता है, हर बार कुछ नया होता है पर अनुभव हर बार सेम होता है, दिखने में कुछ नई चीजें दिखती हैं पर अनुभव तो वैसा ही मिलता है भाई। चाहे वो रिश्ता हो, संबंध हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, कोई भी चीज हो, पर अनुभव बहुत सिमिलर होता है हर बार कि भाई सब खत्म हो जाता है, ये कैसे ना हो। और इतना ही नहीं, हम ऑफिस में किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए कहीं पर जाएं, किसी से मिलने जाएं, इवन देन जिससे भी हम बात करें, हर कोई हमारी बात सुने तो अटेंशन तो मिले करीब, कम से कम अटेंशन नहीं मिल रहे, कोई समझ तो ले इस बात को, कोई सुन तो ले हमारी बात को, हमारी बात सुनने वाले लोग भी अगर कम हैं तो क्या करें। देखो, जीवन में बड़ी समस्या है, हर एक सेक्टर में आपको विजय चाहिए, चाहे वो व्यापार आप कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे घर में कोई काम कर रहे हो, और चाहे घर वालों के साथ कोई डीलिंग हो, परिवार में भी तो डील है रोज की, हाँ वहां भी तो जीतना है। घर में हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है जी, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए सलूशन है। आज मैं कह रहा हूं कि इस एक चीज को मुंह में रख करके बात करना शुरू करिए। आपको सिर्फ इस वस्तु को मुंह में दबाकर बात करनी है, इसके बाद जिससे भी आप बात करेंगे वही आपका दीवाना हो जाएगा, जिससे भी बात करेंगे। और ये सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, योगी, अमलात्मा, महात्मा, संत भी होगा ना तो आपके पक्ष में खड़ा होगा। इवन देन देवताओं को पाना भी इस उपाय से सरल हो जाता है। विश्व में आदिकाल के समय में ऋषि, ऋषिकन्याएं और रिसर्चर इस उपाय को उपयोग में किया करते थे। यही वो उपाय है जिस उपाय को करके कुंती ने भगवान सूर्य को अपने नीचे बुलाया था और आपको पता है उसके आगे की कहानी। यही उपाय है जिसको करके हर व्यक्ति ने हर देवता को पाया होगा, पूरे के पूरे विश्व में जिसने भी किसी देवता को पाया वो इस उपाय के बगैर नहीं संभव है। पूरे के पूरे विश्व में यही एक ऐसी वस्तु है जो आयुर्वेद से लेकर के, अध्यात्म से लेकर के, तंत्र से लेकर के, मंत्र से लेकर के, पूजा पाठ से लेकर के, इवन आपके किचन तक में इसका बड़ा रोल है। ये वस्तु अपने आप में बहुत असामान्य है। जीवन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सरल होना चाहिए, पर चलता तो अप एंड डाउन है, चलता तो लहरा करके ही है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी ये अच्छा तो कभी वो बुरा। हाँ, आज मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसी वस्तु की बात कर रहा हूं जिसे मुंह में दबाकर रखने मात्र से, क्यों, क्योंकि ये सिद्ध है देवताओं के द्वारा, ये वस्तु सिद्ध है ऋषियों के द्वारा, ऋषियों ने यही तो अपनी शक्तियां लगा के रखी हैं। तीर्थ भर ने मिस भी ख्याता
जो नैमिषारण्य के आसपास लोग होंगे उनको ज्यादा ये बात पता होगी। तीर्थ भर नैमिष विख्याता, अति पुनीत पावन सुखदाता। तो हाँ, 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की, ये जड़ी बूटी वहीं से प्रारंभ हुई, पूरे विश्व में उसके बाद फैली। उसका नाम बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, कैसे मुंह में दबा के रखना है, जिससे भी बात करोगे पहली ही बार में फर्क पड़ेगा, वो बता रहा हूं। करना क्या है, इस जड़ को मंगाने के बाद या तोड़ने के पहले, दोनों ही कंडीशन में आपको इसको सिद्ध कर लेना है, या तो रवि पुख्य में या तो गुरु पुख्य में, कोई भी अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, उसमें 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करके दूध से स्नान करा के इसे शुद्ध करके पूजन इत्यादि करके इसे सिद्ध कर ले, बस उसके बाद आप इसे मुख में रखें और जिससे भी बात करेंगे वो व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा होगा, आपकी वाणी सिद्ध होगी। पहली एक आध बार में हो सकता है प्रभाव थोड़ा कम हो, पर इसको जैसे जैसे आप रेगुलराइज करोगे, जितनी जितनी आपकी सिद्धि बढ़ती जाएगी, क्योंकि वाणी धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है आपकी कि मुझे सिद्ध होना है। सिद्धि प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है, सिद्धि के लिए एक श्लोक है, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर संशयः, कई कई बार कंटिन्यूटी करते में संशय नहीं है, एक आध बार में संशय हो सकता है, पर मेरे को तो पहली बार से फर्क मिलता था। आप देखिए इसको अच्छे मुहूर्त में या तो उखाड़ते समय सिद्ध करिए या तो उखाड़ के लाके घर में सिद्ध करिए, कैसे भी एक बार पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करके इसका इस्तेमाल करेंगे आप पूरी तरह से। निकालने के पहले वहां बैठ के भी अभिषेक किया जा सकता है वृक्ष का, फिर तोड़े या वहां से तोड़कर ले आए साफ सुथरा करके मंदिर में रख करके इसका अभिषेक करके इस मंत्र का जाप करें तो भी ये सिद्ध हो जाएगा। एक बार बड़ी लकड़ी कर लें उसके छोटे छोटे टुकड़े बार बार भी अपने मुख में रख करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद, पूरी श्रद्धा से करना, विश्वास से करना, ये उपाय मैंने अपनी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण उपाय आज आपको साझा कर लिया है। जिन उपायों के लिए लोग करोड़ों खरबों रुपए खर्च करा देते हैं, मैं आपको वो सब फ्री में परोस रहा हूं, बस पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। हर एक उपाय हर एक मंत्र सिद्ध करके बांध दिया जाता है, जब तक गुरु आदेश नहीं हो तब तक वो काम नहीं करता। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए और आपके जीवन में खुशियां और प्रसन्नता आए। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। सुंदरता के लिए बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि उन्हें अपना चेहरा और अपना मतलब उम्र और पता नहीं क्या क्या क्या, सुंदरता एक थिंक है, उस पर काम कीजिए। सोते समय भी सुंदर लगने के पीछे वो थिंक ही काम कर सकती है। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, सुंदर बनिए और मुस्कुराइए, बेहतर रहने की कोशिश करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या नहीं करना, रोना नहीं है, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, परेशान नहीं होना, बस इतना करने से आपकी हर एक चीजों में मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बस मस्ती करो, सिर्फ और सिर्फ प्यार के बारे में चिंतन करो। प्यार तुम्हारी माँ से हो, बाप से हो, पिता से हो, बहन से हो, भाई से हो, दोस्त से हो, खुद से हो और तुम्हारे अपने काम से हो। बस प्यार को प्यार से समझने की कोशिश करना, प्यार भगवान है अपने आप में। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर से भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391 2929 2929। आयोजक श्री सदगुरुनाथ धाम परिवार जयपुर।